तो भाई यहाँ पर पता क्या हुआ, अभी देखो इंडियन को बिठा के ले गए ये लेडी बॉयज ने, पकड़ के इंडियंस को मारा भाई। मतलब ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार होता है ये। और यहाँ पर भाई एक टाइम पे 200 लोग बैठ सकते हैं, देख सकते हो कितनी। What's up? This is your boy Paras and welcome back in another vlog guys. तो जी आ गए हैं ये एक नए व्लॉग के साथ, और आज हैं भाई हम पत्तया सिटी के अंदर, थाईलैंड के अंदर। पुराने व्लॉग में देखा ही होगा भाई, हमने दिखाई थी नाइट लाइफ, और आप वो वाला जाके व्लॉग देख सकते हो, मैंने आई बटन में लिंक डाला हुआ है। अभी मैं हूँ भाई बीच रोड के पास, और काफी भाई हैपनिंग प्लेस है ये वाली। यहाँ पर आपको पता ही है भाई, बीच रोड पे जो कि पत्तया बीच रोड है, बहुत ज्यादा हैपनिंग होती है इस टाइम। शाम को तो भाई यहाँ पर रौनक लग जाती है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर। मतलब ये लोग अभी वॉक कर रहे हैं, और काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह, और काफ़ी यहाँ पर मतलब इंडियन रेस्टोरेंट्स, और काफ़ी भाई वीड शॉप्स भी खुली हुई हैं। मतलब बहुत कुछ खुल गया यहाँ पर, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर ट्रैवल भी कर रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले भाई मेरे को मैसेज आ रहे थे यार काफ़ी लोगों के, यार तो स्कैम्स के बारे में बताओ यार। तो यार अभी रिसेंटली एक स्कैम कह लो, या मतलब अपने लोगों की नकेली कह लो, मतलब कि जो अपने लोग यहाँ पर आते हैं घूमने। और आपको पता ही है भाई, बेसिकली जो बीच रोड है ये नाइट लाइफ वाला एरिया है, और यहाँ पर जो हुकर्स हैं, प्रोस्टिट्यूशन है, वो नॉर्मल है यहाँ पर। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर इंडिया से या कोई और कंट्री से, और यहाँ से क्या है कि ये जो सारी बीच रोड देख रहे हो आप, यहाँ से मतलब पिक करते हैं लड़कियाँ वगैरह। ये नॉर्मल है यहाँ पर, थाईलैंड के अंदर ये चीज़ नॉर्मल है, मतलब पत्तया के अंदर ये चीज़ नॉर्मल है। और काफ़ी भाई इंडियन भाई ट्रैवल करते हैं यहाँ पर। स्कैम क्या होता है भाई, स्कैम उनके साथ मोस्टली होता है जब वो कोई लड़की पिक करते हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर ना मतलब क्या होता है कि लेडी बॉय भी खड़े होते हैं, तो लेडी बॉय बेसिकली क्या होता है कि भाई बंदा ही होता है, बट उसकी जो शक्ल होती है वो लड़कियों की तरह होती है, जो आवाज़ होती है वो लड़कियों की तरह होती है, बॉडी स्ट्रक्चर लड़कियों की तरह होता है, तो उनको पता नहीं चलता। तो भाई वो ना मतलब जैसे जब डील करते हैं तो पहले डील कर लेते हैं, जब पता चलता है तो भाई फिर उसके बाद क्या होता है वो आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी ये वीडियो आपने देखी, अभी ये हुआ था भाई कि थप्पड़ थुप्पड़ मार रहे थे भाई लेडी बॉय। तो भाई यहाँ पर पता क्या हुआ, अभी देखो इंडियन को बिठा के ले गए ये। बेसिकली मुझे पता नहीं है क्या हुआ था, बहुत सीन होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो कोई शेड देता है किसी को, यहाँ तो भाई डील कर लेता है पहले, फिर उसके बाद वो कहता है मुझे जाना नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ नॉर्मल चलती है, तो मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप इन फ्यूचर ये फेस ना हो आपको। और कभी भी आ रहे हो भाई यहाँ पर, बस यही स्कैम्स होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भाई जो लेडी बॉय स्कैम्स करते हैं, वो चेन चून उतार लेते हैं लोगों की, उनको जफ़ी डालते हैं, मतलब उनको हक करते हैं, हक करने के दौरान ही भाई आपकी ऐसे जैसे चेन डाली हुई है, और उसको भाई मतलब निकाल लेते हैं, पता नहीं कैसे निकालते हैं, इनके पास टेक्निक होती है, तो ये भी स्कैम होते हैं। कुछ लेडी बॉय क्या करते हैं भाई, कुछ लोग ले जाते हैं होटल में लेडी बॉयज को, और वो क्या करते हैं भाई कि अंदर स्कैम कर जाते हैं, या तो भाई मुझे पैसे ले लेते हैं एक्स्ट्रा। तो मैं रहता हूँ यहाँ पर, तो मैं अपने लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, जो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको ये चीज़ों का नहीं पता, तो मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, तो ये चीज़ से अवेयर रहो। बीच रोड से आप भाई किसी को भी पिक कर सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान रखो भाई अपनी चीज़ों का, अपने गले में चेन वेन मत डालो, और थोड़ा सा मतलब तरीके से करो जो भी करना है। यहाँ पर भाई काफ़ी नाइट क्लब्स हैं, आप नाइट क्लब जा सकते हो, वहाँ पर इंजॉयमेंट कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर चलता है। मैं शर्मा नहीं रहा वो चीज़ बोलने को, क्योंकि यहाँ पर चलता है भाई। मैं दिखाता नहीं हूँ वैसे ये चीज़ें, क्योंकि मैंने कभी आज तक ऐसी वीडियोस नहीं बनाई, मैं सिर्फ पार्टीज की वीडियो बनाता हूँ, और जो कि ट्रैवल करता हूँ, तो आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा ही होगा, तो इस चीज़ का मैं अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरे सामने ही भाई सीन हुआ था, लेडी बॉयज ने पकड़ के इंडियंस को मारा भाई। मतलब ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार होता है ये, कितनी बार हुआ है, और वो डर जाते हैं, और उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते भाई, कोई हेल्प करने आता है ना तो भाई वो उनको भी फिर इंक्लूड कर लेते हैं इस चीज़ में, तो इसलिए भाई यहाँ पर हेल्प नहीं करते भाई काफ़ी लोग। ये सारी भाई बीच रोड है, और ये है भाई रॉयल गार्डन, हम जा रहे हैं अपने दोस्त के रेस्टोरेंट पे, और बिल्कुल नज़दीक ही है भाई वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ पर, वो सामने देख सकते हो, यहाँ से शायद आधा किलोमीटर ही है जो वॉकिंग स्ट्रीट है, और यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे अभी हम। तो जी बीच रोड के बिल्कुल सामने ही एक रेस्टोरेंट है अपना, स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स एंड एशियन डिलाइट, दोनों रेस्टोरेंट मतलब साथ साथ ही हैं। यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इंडिया से ग्रुप्स आते हैं इकट्ठे, तो ये यहाँ पर ग्रुप की सेटिंग है।
अभी मैं थोड़ा अर्ली आ गया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी कोई दिख नहीं रहा क्योंकि ग्रुप आने वाला है बहुत जल्दी। यहाँ पर बुफे सिस्टम, मुझे प्राइस का नहीं पता, मैं अभी कंफर्म करवा के आपको बताता हूँ क्या प्राइस होता है। और ये वाला जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर शायद 50 और 100 पीपल की सीटिंग होगी यहाँ पर, ये वाले रेस्टोरेंट में। जो पीछे है भाई उसकी तो शायद 200 बंदे की सीटिंग है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। और यहाँ पर क्या है कि सबसे खास बात है यहाँ पर आला कार्ड भी चलता है और बुफे भी चलता है। तो बुफे अभी देख सकते हो, अभी थोड़े टाइम तक सेट होगा क्योंकि ग्रुप का टाइमिंग होती है, तो अभी डिनर वाला टाइम होने वाला है तो ग्रुप अभी बहुत जल्द आने वाला है। और उसके पीछे है एक दूसरा रेस्टोरेंट देख सकते हो, यहाँ पर है स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स, ये वाला नॉर्थ एंड साउथ दोनों मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर है इंडियन बुफेट एंड रेस्टोरेंट एंड बार। और ये है भाई जो जगह, अगर किसी ने भाई काला पार्टी वगैरह करनी है जैसे कि पूरे ग्रुप के साथ, जैसे कि 200 या 300 लोगों की पार्टी या कॉन्फ्रेंस करनी है, कुछ भी करनी है, तो ये उसका हॉल है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी है और यहाँ पर भाई एक टाइम पे 200 लोग बैठ सकते हैं, देख सकते हो कितनी पीछे तक है जगह। और यहाँ पर छोटी सी बार भी बनी हुई है और यहाँ पर भी अभी बुफे लगने वाला है क्योंकि अभी आने वाला है ग्रुप, शायद होगा 50-60 लोगों का ग्रुप, जो कि मेरा भाई बता रहे थे, मेरे दोस्त, वो भी यहाँ पर है नहीं, बाहर गए हैं, उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। ये है भाई यहाँ पर बुफे, रसम सूप प्लेन राइस, मतलब कि बुफे लगा हुआ है ऑलरेडी और अभी सिर्फ लोगों ने आना है और अपना खाना पिक करना है भाई और यहाँ पर बैठ के इंजॉय करो। ये राइस वाइस है, साउथ इंडियन मेन्यू लगा हुआ है आज। यहाँ पर आएगी फ्रेश रोटी, नान और रोटी। और ये है, ये क्या है, ये पनीर की सब्जी लग रही है। और ये है फुल बड़ियाँ, पंजाबी में कहते हैं हम, ये आ गया रायता और ये आ गया सैलड। अगर किसी ने भाई वॉकिंग आना है यहाँ पर, मतलब वॉक, अगर आप बीच पे चल रहे हो तो आपको भूख लगी है या कुछ खाना है, तो यहाँ पर 200 बार का बुफे है पर पर्सन। यहाँ पर आके आप सीधा डायरेक्ट आके खाना खा सकते हो, अनलिमिटेड खाना होता है बुफे। तो भाई रेस्टोरेंट से बाहर आ गए थे एक्चुअली, जो कि ग्रुप से वो आने वाले हैं, तो एक्चुअली मुझे निकलना है यहाँ से, मैं कोई और कंट्री जा रहा हूँ, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। और आपको भाई पतिया की गलियाँ दिखाते हैं। ये देखो ये सारी भाई बीच रोड है। कोविड में एक समय था जब यहाँ पर भाई बंदा नहीं दिखता था और आज वही गलियाँ भर चुकी हैं, वापस आ चुके हैं टूरिस्ट और काफ़ी लोगों के काम धंधे वापस शुरू हो चुके हैं। पतिया से आ गया था बैंकॉक, मतलब मुझे जल्दी जल्दी आना था और मैं रास्ते की वीडियो शूट नहीं कर पाया और पतिया का माहौल दिखा नहीं पाया और थोड़ा जल्दी जल्दी में था। और अभी मैं हूँ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और पतिया से भाई बस चलती है जो कि स्वर्णभूमि के लिए, वो चलती है 130 बार या 132 बार ऐसे लगते हैं, और ऑनलाइन भी बुक हो जाती है अगर आपने ऑनलाइन बुक करवानी है। और मैं वो बुक करके यहाँ तक आया हूँ और यहाँ से चलती है भाई DMK के लिए बस, फ्री में चलती है शटल बस। और ये काउंटर बने हुए हैं ये देख सकते हो, मतलब यहाँ पर शटल बसें चलती हैं जो कि एयरपोर्ट फ्री होती है, सिर्फ उनको टिकट दिखानी पड़ती है। जैसे कि मेरी जो फ़्लाइट है वो मेरी DMK से है और यहाँ से भाई जो एयरपोर्ट है वो है अराउंड 45 मिनट लगते हैं यहाँ से जाते जाते, तो ये वाली बसें भाई फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं आपको एयरपोर्ट तक, तो ये बहुत बढ़िया है। काफ़ी लोग जो ट्रैवल करते हैं जिनकी फ़्लाइट वगैरह DMK से होती है, क्योंकि वहाँ से भी चलती है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और यहाँ से भी, मतलब स्वर्णभूमि से तो चलती चलती हैं, तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता, तो आप ये चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो कि आप यहाँ से स्वर्णभूमि से शटल बस लेके सीधा DMK जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ टिकट दिखाने। और इसका जो गेट है भाई, लोकेशन कहाँ पर है इसकी, वो वाला भाई 2 नंबर गेट है और ये है 3 नंबर, तो उसके बीच में ये शटल बस का ये इन्होंने काउंटर बनाया हुआ है। सबसे चीपेस्ट वे है अगर आपने ट्रैवल करना है भाई पतिया से यहाँ तक, तो समझ लो कि मैं 200 बार में यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और पतिया से 200 बार में यहाँ तक पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट तक। काफ़ी लोग जो टैक्सी भी बुक करते हैं, टैक्सी भी ठीक रहती है, अगर आप 4-5 लोग हो तो टैक्सी भी बुक कर सकते हो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट वे है, आप कर सकते हो ऐसे भी। और जो मैं जा रहा हूँ भाई अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से लाओस, लाओस का ट्रिप मारा था आज से 6-7 मंथ पहले मारा था मैंने लाओस का ट्रिप, और वो कैसे मारा था भाई, बाय ट्रेन के थे हम, मतलब यहाँ से ट्रेन भी चलती है बट लगते हैं 8-9 घंटे भाई ट्रेन के, तो बहुत ज़्यादा थक जाता है बंदा उसमें, तो हमने करवाई भी लोकल ट्रेन थी जो कि बैठ के जाना पड़ता है, उसमें सोने वाली सीट नहीं होती, एसी भी चलती है ट्रेन, बट वो आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ती है यहाँ से,
और उसमें क्या है कि आपको सोने के लिए मिल जाती है जगह, और ऑलमोस्ट सेम प्राइस होता है फ़्लाइट का और ट्रेन का। तो मैंने इस बार फ़्लाइट करवा ली थी क्योंकि फ़्लाइट सेम प्राइस ही पड़ती है ऑलमोस्ट, तो फ़्लाइट में भी जा सकते हो, बाय बॉर्डर भी जा सकते हो। तो यार ये वाले व्लॉग का हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आपको जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो भाई आपको लाओस का मिलेगा, और कैसे मैं यहाँ से गया लाओस और कैसे वहाँ से ऑनरेबल वीज़ा वगैरह मिलता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो भाई इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और जो मैंने स्कैम्स के बारे में बताया था भाई, वो चीज़ से अवेयर होना पड़ेगा आपको। और इस वीडियो को भाई लाइक कमेंट शेयर ठोक देना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल के लिए बाय बाय।